हाँ हेलो फ्रेंड्स का दो लास्ट क्लास हमने असेसमेंट प्रोसीजर की क्लास ली थी, उसमें मैं थोड़ा ब्रीफ एक बार बता देना चाहता हूँ। मैंने आपको चार असेसमेंट बताए थे इसमें कि 139 139 1 में हमारा रिटर्न फाइल होती है। अगर 139 1 में हमने रिटर्न फाइल नहीं करी है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न 142 1 का नोटिस इश्यू वाई असेसिंग ऑफिसर, वन थर्टी नाइन वन में हमारा फाइलिंग रिटर्न फाइल नहीं करी है, 142 1 में नोटिस इशू कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर कि आप स्पेसिफाइड पीरियड में आप अपनी रिटर्न फाइल करें। अगर नहीं करते हैं तो वो 142 1 के साथ एक स्क्रूटनी का नोटिस या 143 2 का नोटिस दे सकता है कि सर आपने क्यों नहीं की वगैरह, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। टाइप ऑफ असेसमेंट, आपके चार तरह के असेसमेंट होते हैं सर। ये नोटिस के टेबल है एंड ये असेसमेंट सेक्शन बता रहा हूँ। मैं कल भी इस क्लास को ले चुका हूँ, कल भी बता चुका हूँ। अंडर सेक्शन 142 स्कूटनी, अंडर सेक्शन 143 3 असेसमेंट, 144 बेस्ट जजमेंट। इसका असेसमेंट भी 144 में होता है। 148 148 ये होता है एस्केप इनकम, इसका असेसमेंट 147 में होता है। और 153 ए सर्च एंड सीजर, इसका असेसमेंट 153 आपके चार असेसमेंट होते हैं। एक होता है आपका डीम्ड असेसमेंट 143 1 में, इसे हम कह सकते हैं डीम्ड इंटीमेशन। एंड असेसमेंट जब हम 139 1 में रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास 143 1 का नोटिस आता है, उसे हम डीम्ड असेसमेंट या इंटीमेशन मान सकते हैं कि ठीक है सर असेसिंग ऑफिसर ने जो भी हमारा है उन्होंने सही माना है। अगर 143 1 का अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो उसमें लिख के देता है सर आपका इतना रिफंड बनना है, इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर आगे की प्रोसीडिंग्स होती है। मेन होते हैं 142 का स्कूटनी का, 144 बेस्ट जजमेंट का, 148 एस्केप इनकम का, 153 सर्च एंड सीजर्स का। ये चार असेसमेंट है। 143 1 का डीम्ड असेसमेंट है जो सभी के लिए 90% लोग, 143 1 का आपके मेल पर आएगा या आपके घर पर बाई पोस्ट आता है। 143 2 स्कूटनी, स्कूटनी कब आती है? स्कूटनी जब आती है जब आपने 139 1 में रिटर्न फाइल कर दिया हो या 142 1 का नोटिस का रिप्लाई कर दिया हो। मैं पहली सेक्शन ले रहा हूँ स्कूटनी की असेसमेंट 143 ठीक है, नोटिस इश्यू टू का स्कूटनी। पहला फर्स्ट असेसमेंट 143 3 में स्कूटनी का, इसका नोटिस इश्यू करेगा 143 2 का। आपका नोटिस कब इश्यू करेगा? 139 1 में रिटर्न फाइल कर दी हो फाइल, या 142 1 का रिप्लाई दे दिया हो। अगर असेसी ने 139 1 में रिटर्न फाइल कर दी हो या 142 1 का रिप्लाई दे दिया हो, 142 1 का रिप्लाई नोटिस कब आता है आपके पास? जब आप 131 में रिटर्न फाइल नहीं करते हो।
तो असेसिंग ऑफिसर को ये लगेगा कि सर आपने जो आपने इनकम शो करी है वो आपने कम किया, लॉस ज़्यादा बुक कर दिया, अगर लॉस ज़्यादा बुक कर दिया तो आपका टैक्स नहीं बन रहा है, या आपने सर टैक्स के अंदर चोरी की है, तो उसे कुछ डाउटफुल लगेगा, तो वो 143(2) में नोटिस इशू करेगा स्पूटनी के लिए। इस केस में आपको नोटिस के साथ जो भी उसने रिक्वायरमेंट मांगी, बुक्स ऑफ अकाउंट या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो आपका आप खुद को असेसी को या आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को ऑफिस में जाना होता है, इनकम टैक्स ऑफिस में, जो भी उसने नोटिस में बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे हों, P&L या एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। जो भी इस नोटिस में लिखा है वो असेसी या उसके बिहाफ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और उसका रिप्लाई देगा। स्कूटनी में यही होता है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 143 नोटिस इश्यू करने का टाइम पीरियड, सेक्शंस। विद इन ए 6 month end of the financial year which return filed, आपने जिस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल की है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप रिटर्न फाइल की है, उसके विद इन 6 month के अंदर आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच रिटर्न फाइल्ड आपको नोटिस इशू कर सकता है 143(2) का। इसके बाद उसके पास राइट नहीं रहेंगे कि 143(2) का नोटिस आपको इशू करे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। कोई एसएससी है एक्स, फाइनेंशियल ईयर 2016-17 रिटर्न फाइलिंग डेट 30/9/17, 16-17 का आपका फाइनेंशियल ईयर है, रिटर्न फाइलिंग डेट आपकी 30/9/2017 है, उसने फाइल्ड कर चुका है, फाइल्ड हो चुकी है, तो इसकी 143 नोटिस कब तक आ सकता है इसका? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मीन्स 30/9/2018 तक आपके पास इसका नोटिस आ सकता है, 30/9/2018 तक। अगर आपने रिटर्न फाइल की हो 31/3/2018 को विथ पेनल्टी, असेसिंग ऑफिसर 143(2) का नोटिस स्कूटनी का कब इशू कर सकता है? अगर किसी भी फाइनेंशियल के आपने जब भी रिटर्न फाइल की हो जिस फाइनेंशियल में, उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 month के अंदर, आपका 2016-17 का फाइनेंशियल ईयर है, उसमें रिटर्न फाइलिंग की डेट आपकी ड्यू डेट है 30/9/2017, इसका एंड ऑफ कब हो रहा है? 31 मार्च 2018 को, तो उसे आप 6 month तक आप वो 143(2) का नोटिस आपको इशू कर सकता है। या आपने फाइल आपने 31 मार्च को ही क्यों ना की हो, या 28 फेब को की हो, आपने कभी भी की हो फाइल, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के विद इन 6 month में आपको रिटर्न फाइल करने के लिए रिटर्न फाइल करने के 143(2) को नोटिस इशू कर सकता है। और नोटिस में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी है, जो उसे डाउट लग रहा है कि भाई रीजन टू बिलीव नहीं है, एक वर्ड आता है टैक्स में वन स्कूटनी केस में रीजन टू बिलीव, ये एस्केप इनकम में आता है 147 सेक्शन में, जब आपको नोटिस है जो रीजन टू बिलीव कि असेसिंग ऑफिसर को रीजन है, उसके पास रीजन है बिलीव करने का कि आपने एस्केप इनकम किया, लेकिन 143(2) के नोटिस में रीजन टू बिलीव वर्ड नहीं लिखेगा, बस आपसे ये बोलेगा कि सर आपने जो भी आप 139(1) में आपने रिटर्न फाइल की हो, 142(1) का नोटिस दिया हो, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कि लॉस आपने ज़्यादा बुक किया है या आपने इनकम कम शो की है, तो 143(2) का नोटिस दे सकता है। 143(2) का नोटिस तभी से दे सकता है असिस्टेंट ऑफिसर जब उसने 139(1) में रिटर्न फाइल की हो और 142(1) का नोटिस दिया, इशू किया, उसका रिप्लाई दिया हो। 143(2) का नोटिस
इनके अलावा भी दे सकता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया 139(1) में और 142(1) का नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया हो, अगर जॉइंट कमिश्नर की CIT की परमिशन से। नोटिस इशू करने की कंडीशन, फर्स्ट 139 फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिप्लाई। इन दोनों कंडीशंस में 143(2) का नोटिस इशू कर सकता है, अदरवाइज अगर ये नहीं कंडीशंस होती हैं तो सी इसकी परमिशन से 143(2) का नोटिस आपको इशू कर सकता है, अदरवाइज उसके पास चांसेस हैं। अगर टाइम बार्ड हो गया, अगर उसने नोटिस इशू किया 31/18 को, तो सर ये टाइम बार्ड है और ये इनवैलिड है, इसमें असेसी को कोई रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर असेसिंग ऑफिसर अपना 143 का नोटिस टाइम के बाद इशू करता है या आपको डेट उसके बाद टाइम होती है, तो वो इनवैलिड होगा। सेकंड 144 वेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस में 143 जो स्कूटनी के सेक्शंस हैं उसमें बस आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि सर 143(2) का नोटिस कब इशू होगा, जब आपने 139(1) और वन नॉर्मल ड्यू डेट्स पे और 142(1) का रिप्लाई दिया हुआ होगा, अदरवाइज आपको नोटिस इशू करने का नहीं है। टाइम पीरियड पूछ सकता है कि कब आपको टाइम पे इशू कर सकता है असेसिंग ऑफिसर, तो आपको विद इन द 6 मंथ फ्रॉम के अंदर अंदर आपको इशू करना पड़ेगा 143(2) का नोटिस, अदरवाइज वो टाइम बार्ड हो जाएगा और वो इनवैलिड होगा। तो दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि सर किस कंडीशन में आपको नोटिस इशू कर सकते हैं, दो कंडीशन है, 139(1) में आपने रिटर्न फाइल किया हो या 142(1) का नोटिस का रिप्लाई दिया हो। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि टाइम क्या है सर इसका, कि आपको कब तक इशू कर सकता है वो नोटिस, तो इसका टाइम है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया उसके विद इन 6 मंथ के अंदर आपको नोटिस इशू कर सकता है। हाँ, इसमें यह कि नोटिस इशू करने पर स्कूटनी का असेसमेंट कब तक कर सकता है, मैं इसको एक बार करो 143(2) का नोटिस इशू किया, अब आता है टाइम लिमिट 143 असेसमेंट, एक क्वेश्चन से बनता है टाइम लिमिट का, 143(2) का नोटिस इशू किया तो उसकी टाइम लिमिट क्या है कि असेसमेंट कब तक कंप्लीट करेगा सर वो, इसकी टाइम लिमिट है सेक्शन 153(1) में। सेक्शन 153(1) ये कहती है आफ्टर द नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) और कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा, नो ऑर्डर पास असेसमेंट का आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। वन फोर्टी थ्री टू का नोटिस इशू किया 6 मंथ के अंदर करेगा, पहला क्वेश्चन ये है कब इशू करेगा 139(1) और 142 का रिप्लाई दिया हो। दूसरा आता है 143(3) में असेसमेंट करेगा तो सर टाइम पीरियड क्या है, 2 साल का सर, 2 ईयर्स का रिलेवेंट ऑफ असेसमेंट ईयर, एंड ऑफ द रिलेवेंट ऑफ असेसमेंट ईयर से एक क्वेश्चन लेता हूँ। आपका स्कूटनी केस आया 12-13 का फाइनेंशियल ईयर,
ठीक है, इसका असेसमेंट कौन सा है? 13-14, इसका असेसमेंट ये 13-14 ये रहा, तो इसकी रिटर्न फाइल करने की डेट कौन सी रही? 30-9-2014, ठीक है, 30-9-2014 इसकी इशू रिटर्न फाइलिंग डेट। वन फोर्टी थ्री नोटिस इशू 12-13 आएगी, 30-9-2013, और इसकी डेट क्या रहेगी? 30-9-2014। अब इसका असेसमेंट 143 कब कंप्लीट करेगा? नो ऑर्डर पास असेसमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है? 13-14, तो इसके आफ्टर जो 14-15 और 15-16, डेट मीन्स 31 मार्च 2016। आपके तीन क्वेश्चंस बनते हैं इसमें 143 इसमें स्कूटनी केस में। फर्स्ट 143(2) का नोटिस कब इशू करेगा? दो कंडीशन है, 139(1) में आपको रिटर्न फाइल किया हो और 142(1) का आपने रिप्लाई दिया हो, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर करता है तो नोटिस आपको जॉइंट सीआईटी की अपील सीआईटी की परमिशन से ही कर सकता है। टाइम लिमिट कब है? 6 मंथ, जब आप रिटर्न फाइल किए हो उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल विद इन 6 मंथ में आपको नोटिस इशू करेगा। असेसमेंट की टाइम पीरियड क्या है? 2 ईयर्स, नो ऑर्डर पास असेसमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल 12-13 क्या आपकी रिटर्न थी? इसकी ड्यू डेट थी 30-9-2013। नोटिस इशू करने की डेट क्या रही? 30-9-2014, क्योंकि इसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल कब हो रहा है? 31-3-2014 को। तो इसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, रिलेवेंट असेसमेंट 13-14 कौन सा रहा? 14-15 और 15-16 में, 31-3-2016 तक उसको 143(3) में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा असेसमेंट इसका। 143 यहाँ कंप्लीट हो जाती है, इसमें तीन ही क्वेश्चंस बने, कब इशू कर सकता है नोटिस, क्यों किस भी पे कर सकता है, और उसका टाइम क्या है, और असेसमेंट उसका कब कंप्लीट होगा? विद इन 2 ईयर्स में। अब सेकंड आता है आपका सेक्शन 144 बेस्ट का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। असेसिंग ऑफिसर 144 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब कर सकता है? चार कुछ कंडीशन है, जब 139(1) में नॉट रिटर्न फाइल, 142(1) का नो रिप्लाई नोटिस का, 143(2) नोटिस का नो रिप्लाई। अगर असेसिंग ऑफिसर, अगर असेसिंग ने 139(1) में रिटर्न फाइल नहीं करी हो, 142(1) में अगर उसने कोई भी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया हो, 143(2) का रिप्लाई, स्कूटनी का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया हो, क्योंकि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगने के लिए बोलता है, तो 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। लेकिन इसे एक्स पार्टी भी कहते हैं, एक्स पार्टी असेसमेंट। लेकिन 144 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले असेसी को नोटिस दिया जाएगा, उसको नोटिस दिया जाएगा कि मैं 144 में आपके एक्स पार्टी कर रहा हूँ, उसको बताना होगा। बिना बताए 144 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट खुद असेसिंग ऑफिसर नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटी टू गिविंग हियर्ड, असेसिंग ऑफिसर जब 144 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा
तो अपॉर्चुनिटी टू बींग हेयर्ड एसएससी को बताएगा कि सर मैं आपका 144 में एक्सपायरी कर रहा हूँ, आपने मेरा 139 में रिटर्न फाइलिंग ना, इसका 142 का कोई रिप्लाई नहीं दिया, 143(2) का कोई रिप्लाई नहीं दिया, 140 स्कूटनी के केस कोई रिप्लाई नहीं दी, तीनों को कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो 144 में एक्सपायरी करेगा, इसके लिए भी एक नोटिस इशू करेगा अगर, और उसमें टाइम लिखेगा सर आप अगर हमारे सामने उपस्थित नहीं हुए हमारे ऑफिस में इन बुक्स ऑफ अकाउंट को लेके तो हम आपको एक्सपायरी कर देंगे। एक्सपायरी करने के 144 का ही नोटिस जाएगा और 144 में इसका असेसमेंट होगा। 144 का असेसमेंट करने के लिए इसका टाइम पीरियड कितना है आपको वही है जो 143(2) में है असेसमेंट का, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मीन्स 143 + 144 सेम टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ असेसमेंट 2 years, इसका नोटिस 143(2) में जाएगा, इसका नोटिस 144 में ही इशू होगा, फर्क बस इतना ही है। दोनों का जो टाइम पीरियड है उसकी सेक्शन 153(1), आपको सेक्शन पूछ सकता है दोनों में कि 143(3) और 144 का टाइम पीरियड कितना असेसमेंट करने का कि ऐसे, तो फिर कब तक आपका असेसमेंट कर सकता है, तो आपको बताना पड़ा 2 years ऑफ द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। आपसे ये पूछेगा नहीं कि ये कब है, आपको एक सिंपल क्वेश्चन देगा इसके लिए डेट का कि इस फाइनेंशियल ईयर का इसने असेसी ने अब रिटर्न फाइल करी और उसका नोटिस अब इशू हुआ और कब तक वह असेसमेंट कर सकता है, किस फाइनेंशियल ईयर तक कर सकता है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया था सेम है दोनों का, 144 का 143(1) का। तो 143 और 144 स्कूटनी और 144 दो असेसमेंट है सर, ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें वही बनेंगे एमसीक्यू की टाइम पीरियड के कि कब कंप्लीट हो रहा है, क्यों हो रहा है और आप कब तक आप लोगों को नोटिस इशू कर सकते हैं इसके अंदर। थर्ड है आपका 148 अंडर सेक्शन, आपका आता है एस्केप इनकम का। एस्केप इनकम मीन्स आपने कोई इनकम छुपाई हो असेसी ऑफिसर से, तो असेसी 147 में आपको नोटिस इशू करेगा एस्केप इनकम का। इसमें असेसमेंट जो होगा वो रीअसेस भी हो सकता है। रीअसेस का मीनिंग आपका ऑलरेडी 143(2) में 143(3) में आपका स्कूटी का असेसमेंट हो चुका है, बाद में आपको और इनकम मिली असेसिंग ऑफिसर को, तो वो आपको रीअसेस कर सकता है, या 147 में आपका ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका, 143 में भी आपका असेसमेंट हो चुका, 147 में भी असेसमेंट हो चुका आपका, लेकिन वापस से होने के बावजूद भी आपके पास 10 लाख रुपए की इनकम और एस्केप मिली, तो वापस से रीअसेस कर सकता है वो। उसके पास राइट है असेसिंग ऑफिसर के पास कि अगर उसके पास और भी इनकम मिलती है तो आपको रीअसेसमेंट कर सकता है। इसके लिए यहाँ एक वर्ड आएगा रीजन टू बिलीव, वन फोर्टी थ्री टू के नोटिस में असेसिंग ऑफिसर के पास कोई रीजन टू बिलीव नहीं होता कि सर मेरे पास सबूत हैं आपके या एविडेंस है कि आपने कोई इनकम छुपाई है स्कूटी, बस उस नोटिस को इश्यू करने का ये रहता है कि सर आपने जो भी है मेरे को 139(1) में जो भी आपने रिटर्न फाइल किया है, 142(1) में जो भी आपने रिप्लाई दिया है उसमें मेरे को कुछ इनकम कम लग रही है, आपने लॉस ज़्यादा बुक कर दिया या आपने टैक्स कम रेट से कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट की पेनल्टी या एडवांस टैक्स कम जमा करा है बस। लेकिन 148 के नोटिस इशू करने में रीजन टू बिलीव लिखना होगा नोटिस में। 148 का कभी भी नोटिस देखोगे सर उसमें रीजन टू बिलीव लिखा रहेगा, बाकायदा उसमें असिस्टेंट ऑफिसर रीजन टू बिलीव बोल्ड इटैलिक वर्ड में फर्स्ट लाइन पर लिखेगा रीजन टू बिलीव, उसके रीजन भी देगा सर आपके पास इतनी इनकम है, आपके पास असेट्स पाई गई,
कैपिटल गेन था, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, गोल्ड परचेज किया या गोल्ड सेल किया, जो भी, या आपसे किसी ने या आपसे किसी ने वो गिफ्ट दिया, जो भी है उसके पास रीजन टू बिलीव रहेगा 147 में नोटिस इशू करने से पहले। 147 का इशू नोटिस टाइम पीरियड वह कभी भी कर सकता है। इसके लिए तीन कंडीशंस हैं। नोटिस 147, 148 नोटिस इशू, एस्केप इनकम, जीरो टू फोर इयर्स तक, फोर टू सिक्स और सिक्स टू सिक्सटीन इयर्स। A, B and C। अगर आपकी कोई इनकम आउटसाइड इंडिया है, या कोई असेट्स है आउटसाइड इंडिया, अगर असेट्स की कोई इनकम आउटसाइड इंडिया है, असेट्स है या कोई कैपिटल परचेज उसने वहाँ किया है और उसने कोई इनकम छुपाई है इंडिया में रिटर्न फाइल करने में, तो वो 6 साल से लेकर 16 साल तक, मीन्स जैसे अभी आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है अभी 15-16, मीन्स 6 साल से लेकर 2012, 2008, अगर कोई इनकम 2008 या 9 की है तो तब भी वो इशू कर सकता है नोटिस 6 से लेकर 16 साल के बीच में। अगर 2008 या 9 की भी कोई इनकम है आपके पास, या 2008-09 में आपने कोई इनकम छुपाई है इंडिया से बाहर की, तो भी वह इशू नोटिस कर सकता है 148 में। 4 to 6 अगर आपकी एस्केप इनकम मोर देन 1 लाख, अगर आपने कोई इनकम 1 लाख से ज़्यादा की छुपाई है, तो 4 to 6 ईयर्स में, मीन्स आपके अभी 2015-16 की कोई भी इनकम है या 16-17 कोई इनकम है, आपने कोई इनकम छुपाई 1 लाख से ज़्यादा, तो अब वो आज की डेट में आपको नोटिस इशू कर सकता है 148 का। जो इन दोनों में नहीं आएंगे वो 0 to 4 ईयर्स में आ जाएंगे। आपके लिए एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसके लिए कोई प्रीवियस ईयर है आपका 31-3-16, ठीक है, इसका असेसमेंट ईयर 2016-17, ठीक है। मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि 0 से 4 रिलेवेंट ऑफ असेसमेंट ईयर, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए +4 ईयर, मींस 2016-17-18, 18-19, 19-20, 20-21, ठीक है। अभी अभी 31 मार्च 2021 ख़त्म हुआ है, तो 31 मार्च तक इस चीज़ का नोटिस इशू कर सकता है वो। अगर कोई प्रीवियस ईयर 2016 में, प्रीवियस ईयर 2016-15-16 की कोई इनकम है, आपने अगर 1 लाख से कम की छुपाई है, तो वो 31-3-2021 तक आपको नोटिस इशू कर सकता है। तो इस पर एमसी क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। इसी में मैं बी कंडीशंस लेता हूँ। बी कंडीशंस क्या आती है अपनी, 6 ईयर्स तक, 6 ईयर्स तक 31-3-2016 की है, तो इसमें हम 6 ईयर्स और ऐड कर देंगे, 2021-22, 2022-23, मीन्स 31-3-23। अगर कोई 15-16 प्रीवियस ईयर की इनकम छुपाता है 1 लाख से ज़्यादा, मोर देन 1 लाख, अगर 1 लाख से ज़्यादा की इनकम को छुपाता है प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 15-16 की, तो उसके पास असेसिंग ऑफिसर के पास राइट है कि 31 मार्च 2023 तक वो नोटिस इशू कर सकता है एस्केप इनकम का 148 में, सेक्शन 148 में।
अगर कोई इनकम आपके आउटसाइड इंडिया है तो उसके पास 16 साल का राइट है कि वो इनकम आपको बता सकता है कि सर हमारे पास नोटिस का राइट है। एस्केप इनकम में उसके पास रीजन टू बिलीव रहेगा, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे कि आपने ये इनकम छुपाई है। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया कब वो नोटिस इशू कर सकता है। अब आता है कि वो कब उसका असेसमेंट कंप्लीट करेगा 147 में। 147 में असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। नोटिस इशू किया 148, इसमें तीन कंडीशन है 0 to 4, 6 years और 16 years असेसमेंट। 147 में असेसमेंट कम करेगा, सर्व ऑफ नोटिस। जिस ईयर में आपको नोटिस मिला है उस डेट पे, उस फाइनेंशियल के खत्म होने पर उसके एंड ऑफ द रिलेवेंट 1 ईयर मीन्स, आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। 2015-16 फाइनेंशियल ईयर, एस्केप की इनकम बिलो 1 लाख, आपको विद इन 4 ईयर्स में नोटिस आ जाना चाहिए असेसमेंट ईयर के मींस 31/3/2021 तक। आपको 31/3/2021 तक नोटिस आ गया, इस नोटिस के 1 साल तक मींस 31/3/22 तक इसको असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, असेसमेंट और रीअसेसमेंट। सेकेंड एग्जांपल, आपको नोटिस मिला 10/4/2021 को, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ द फाइनेंशियल क्या हुआ इसका 31/3/2022, तो आपके पास प्लस 1 ईयर, तो आप कब तक कर सकते हो उसको कंप्लीट 2023 तक। यहाँ सर्व ऑन नोटिस है। 147 में जब 148 का नोटिस आएगा उसमें एक वर्ड लिखा आएगा रीजन टू बिलीव ऑन बिलीव। 147 का असेसमेंट करेगा तो वो 1 साल के अंदर करेगा सर्व ऑन नोटिस के, जिस फाइनेंशियल में आपको नोटिस इशू किया हुआ है उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में प्लस 1 ईयर। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया 10/4/2021 को, भी रिसेंटली मेरे को कल नोटिस मिला 2021 में, इसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल कब हो रहा है 2022 में, मुझे 2021 में आपको नोटिस मिला एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से कब हो रहा है 2022 में, तो 1 ईयर मेरे को कब हो रहा है 31/3/2023 को। तो आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे वो टाइम पीरियड वाले आएंगे कि 147 का मैंने कब असेसमेंट होगा, 148 का कब वो नोटिस इशू किया जाएगा, इसकी लिमिट क्या है, छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे इस चीज़ के ऊपर। मैं आपको एक चीज और कुछ एग्जांपल ले लेता हूं इसमें 147 के। आपने आरओआई फाइल्ड की 139(1) में, रिटर्न ऑफ फाइलिंग, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर ने 143/144 का नोटिस इश्यू नहीं किया, टाइम बार्ड हो गया,
एओ को 10 लाख की इनकम एसकी पाई गई। उसने 148 का नोटिस इशू कर दिया। वन फोर्टी सेवन में असेसमेंट कर दिया, लेकिन 139(1) में आपको आरओआई फाइल की, 142, 144 टाइम बार्ड हो गया, कोई ऐसे स्कूटिंग नहीं कर पाया, 144 में आपको दे पाया। एओ को 10 लाख की इनकम एस्केप पाई गई। बाद में 148 का नोटिस इशू किया, रीजन टू बिलीव था उसके पास कि सर आपके पास 10 लाख की इनकम पाई गई। 147 में आपको असेसमेंट कर दिया उसने, लेकिन बाद में फिर ऑफिसर को इसके होने के बाद 25 लाख रुपए की और इनकम पाई गई, एस्केप इनकम, क्योंकि उसके पास तो 4 से 6 साल का टाइम रहता है ना, तो उसके पास 25 लाख की है। फिर वापस से उसने 148 का नोटिस इशू किया और 147 में रीअसेसमेंट कर दिया। असेसिंग ऑफिसर के पास राइट है, वो रीअसेसमेंट कर सकता है जितनी भी इनकम पाई जाएगी बाद में। एक चीज और, नोटिस उसने किया मान लो 2016-17, मतलब जो आरआई की 2016-17 का था, ठीक है, ये पूरा साइकिल जो 2016-17 का है चल रहा है, 25 लाख की इनकम पाई गई, ये 10 लाख की इनकम एस्केप की, इस एस्केप इनकम के साथ उसको 2017-18 में 10 लाख की इनकम और पाएगी गोल्ड की। क्या असेसिंग ऑफिसर दूसरा नोटिस इशू करेगा 148 का? बिल्कुल करेगा। अगर सेम प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर का मैं कोई भी इनकम पाई गई तो वो एक ही नोटिस से काम चल जाएगा 148 का, कि ठीक है सर, जैसे 2016 का असेसमेंट कर रहा है, 25 लाख की इनकम लैंड की पाई गई प्लस 10 लाख की इनकम गोल्ड की पाई गई एसकेव इनकम, तो ठीक है एक। लेकिन एसकेव इनकम असेसमेंट करा 2016-17 का और 17-18 में उसको 10 लाख की गोल्ड की या और भी इनकम पाई गई इसको, तो 2016-17-18 के लिए अलग से एक नोटिस इशू करेगा 148 का। सिंपल ये कि हर फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर के एक नोटिस इशू करेगा या कितनी भी इनकम पाई गई है उसी के साथ एड ऑन हो जाएंगे। अगर अलग फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर के कोई इनकम पाई गई ड्यूरिंग द असेसमेंट करने पर, उसे 147 का असेसमेंट कर रहा है और उसे और भी सालों की इनकम पाई गई जो टाइम पीरियड के उसके लिमिट में आ रही है, तो उसके लिए भी अलग से वो नोटिस इशू कर सकता है। तो एक और फाइल उसकी असेसिंग खुल जाएगी, उसका बाकायदा पूरा असेसमेंट रीअसेसमेंट सब कुछ उसी अकॉर्डिंग किया जाएगा। आपके तीन असेसमेंट हो गए। आपको मैंने बताया कि एक तो 143(2) का असेसमेंट स्कूटनी का, एक 144 बेस्ट जजमेंट का, एक 148 का है नोटिस इशू करने असेसमेंट करने का, और एक आता है 143(a) का सर्च एंड सीजर का। आपको तीन असेसमेंट हो चुके हैं। 143(1) में इंटीमेशन ऑफ असेसमेंट होता है जो हर असेसी के लिए दिया जाता है जब वह 139(1) में रिटर्न फाइल करता है। अगर 139 में रिटर्न फाइल करने के बाद 143(1) में नोटिस में कुछ आता है 143(1) में कि सर आपको कुछ रिफंड आ रहा है या आपके इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में गलत की है, तो वो नीचे लिखा आता है उसके, तो वो एंड ऑफ जिस साल आपने रिटर्न फाइल किया उसके वन ईयर के अंदर 143(1) का रिप्लाई देना होगा, और 143(1) का आपके पास नोटिस एक साल के अंदर अंदर आ जाएगा जिस साल आपने रिटर्न फाइल की गई है। अच्छा एक चीज़ और, 148 का नोटिस इशू करने में के लिए किसकी ऑथराइज पर्सन चाहिए? एक असेसिंग ऑफिसर होता है, एक सीआईटी होता है, जॉइंट कमिश्नर भी होता है, तो पूछ सकता है कि 147 का नोटिस इशू करने में आपको किस किस के राइट होने चाहिए, क्योंकि एस्केप इनकम है, रीजन टू बिलीव है, और इसके लिए जॉइंट कमिश्नर का भी ऑथराइजेशन होता है। मैं इसकी एक टेबल बनवा देता हूँ। अगर नोटिस इशू किया है फोर इयर्स में, और एक है सिक्स ईयर्स में,
इसमें एक पहला है फर्स्ट वेयर ऑलरेडी असेसमेंट 143, 144 और 147। अगर कोई नोटिस विद इन 4 ईयर्स में इशू कर रहा है या नोटिस 6 ईयर और 16 ईयर्स में इशू कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन है आपका ऑलरेडी असेसमेंट 143(3) में हो चुका है, 147 में हो चुका है, तो अंडर सेक्शन 147 में हो चुका है ऑलरेडी, तो इस कंडीशन में आपको नोटिस इशू करने के लिए किसके राइट चाहिए आपको? असेसिंग ऑफिसर विद अप्रूवल, जॉइंट कमिश्नर, जेसी कहते हैं, जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो नॉट बिलो द रैंक ACDC से होगा। इसकी जो असेसिंग ऑफिसर की जो रैंक होगी नॉट बिलो ACDC मींस असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। भाई असेसिंग ऑफिसर नीचे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होते हैं हमारे, नोटिस इशू कर रहा है 4 ईयर्स में और यहाँ कर रहा है 6 to 16 ईयर्स में, तो यहाँ जो AO होगा, जो असिस्टिंग ऑफिसर होगा, वो कोई भी AC और DC से कम नहीं होगा। मींस ACDC की फुल फॉर्म है असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, क्योंकि इनका ऑलरेडी 143 और 147 में ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है। मींस ये फ्रॉड पार्टी है ऑलरेडी, इनका AO ने असेसमेंट कर दिया है, फिर भी आपके पास स्कूटनी और 143, इनके पास रीजन टू बिलीव है कि अभी भी ये चोरी कर रहे हैं, तो इसमें ACDC की पैरल अप्रूवल विद जॉइंट कमिश्नर की भी पैरल अप्रूवल चलेगी और AO जो होगा वो बिलो रैंक का नहीं होगा। इसके लिए AO नॉट बिलो दी रैंक ACDC अप्रूवल JC एंड चीफ कमिश्नर अपील। CIT कह लेते हो आप, 148 का नोटिस इशू करने के लिए आपको राइट कब मिलेंगे? अगर आपका 4 ईयर्स के अंदर हो रहा है या 6 और 16 ईयर्स के अंदर हो रहा है, जहाँ ऑलरेडी 143(3) में स्कूटी का, 147 में एस्केप इनकम का असेसमेंट हो चुका है, तो 4 ईयर्स के लिए AO प्लस जॉइंट कमिश्नर के साइन होना जरूरी नोटिस पे। AO जो भी होगा वो ACDC से नॉट बिलो द रैंक रहेगा, AC असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, इनकी पैरल अप्रूवल बहुत जरूरी है दोनों की। 6 ईयर और 16 ईयर्स में AO नॉट बिलो द रैंक ऑफ ACDC, अप्रूवल JC जॉइंट कमिश्नर्स की भी अप्रूवल चाहिए इसकी। एंड चीफ कमिश्नर डेट मीन CIT, इसकी अप्रूवल बहुत जरूरी है। सेकंड आता है आपका नो असेसमेंट 143(3) एंड 147 में, अगर इसमें ऑलरेडी असेसमेंट नहीं हुआ है तो इसमें आपका AO, ओनली AO इसमें, और इसके अंदर AO नॉट बिलो द रैंक ACDC प्लस अप्रूवल JC। 148 का नोटिस इशू करने के लिए दो कंडीशन है, नोटिस अगर इशू कर रहा है 4 ईयर्स के अंदर और 6 और 16 ईयर्स में, फर्स्ट कंडीशन है कि ऑलरेडी उसका असेसमेंट हो चुका है 143(3) और 147 में, अगर ऑलरेडी उसका असेसमेंट हो चुका है तो इसके लिए अगर वो 4 ईयर्स के अंदर अगर वो नोटिस इशू कर रहा है, तो असेसिंग ऑफिसर जो होगा वो नॉट बिलो रैंक ACDC से होगा,
जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, और जॉइंट कमिश्नर्स के इसमें असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ACDC, और उसमें JC की अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। 6 ईयर्स वाले में इसमें एक एड ऑन हो जाए, CIT अपील का होना ज़रूरी है, मीन्स चीफ कमिश्नर का। अगर उसका असेसमेंट नहीं हुआ है पहले 143 और 147 में, तो 4 ईयर्स वाले में नॉर्मल AO चल जाएगा, असिस्टेंट ऑफिसर नॉर्मल रैंक का, और 6 और 16 ईयर्स में असिस्टेंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ACDC और प्लस जॉइंट कमिश्नर्स की अप्रूवल ज़रूरी है। आपको मैंने आज 3 असेसमेंट कराए, 143, 2, 144 और 147, 148 के। तीनों में MCQ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम पीरियड के ही बनेंगे, कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि कोई फाइनेंशियल ईयर का अब नोटिस इशू किया, कब तक आपको कंप्लीट करके देना है, या उसके पास राइट है। अगर असिस्टेंट ऑफिसर टाइम बाढ़ के बाद नोटिस इशू करता है, क्या हम उसके लिए वैलिड हैं नहीं है, तो हम इनवैलिड रहेंगे। जैसे किसी भी साल 2 साल के बाद उसने नोटिस इशू किया या 6 महीने के बाद नोटिस इशू किया, तो हम उसके रिप्लाई देने के लिए नहीं हैं। या असेसमेंट उसने 2 साल के बाद किया, रिलेवेंट असेसमेंट, या 1 साल के बाद किया, तो हम उसके लिए, उसने कोई टैक्स लाइबिलिटी निकाली, तो हम उसके लिए टैक्स पेबल करने के लिए नहीं हैं बिल्कुल भी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आज के आपके 3 असेसमेंट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। थैंक यू वेरी मच।